I think he's looking very handsome. और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सारे कैरेक्टर्स को जनता बहुत प्यार करती है, बस और क्या कहूँ। क्योंकि एक एक्टर को पूरी टीम ने एक्सेप्ट किया जो 12 सालों से शो कर रही है। आइको पर आए हैं आज, एक अलग ही रूप में देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? कितनी एक्साइटमेंट है? अरे पूछो मत यार, कोविड के बाद सबकी शक्लें देखने को मिल रही है, इससे बेटर क्या हो सकता है। इट इज़ अमेजिंग। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मुझे बहुत समय बाद इतना तैयार होने का मौका मिला है, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो आवर शो हैज़ वन द अवार्ड। वी हैव राइट? यस 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 वी हैव। सो वेरी एक्साइटेड और सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं। so, बस आज के लुक के बारे में इंडिविजुअली क्या? हमें तो जो मिल जाता है किराए पे पहन लेते हैं, आज ये मिल गया ये पहन लिया। आई थिंक ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम। But yeah, I'm wearing a gown. It's by a designer friend. Oh, gown. It's by a designer friend, Rippy Setti. तो अभी इनके आउटफिट के भी बारे में आप इनसे पूछेंगे और ये बताएंगे। मैं तो बहुत सिंपल है लाइफ में, अपने को किराए पे जो मिल जाता है, खरीदना का अपना कुछ है भी नहीं। ये आज ये अरेंज हुआ तो लिया, थोड़ा अच्छा किराया लिया, 250 रुपये लिया है दिन का, तो अभी मिल गया आज 250 रुपये में हो गया। वैलेंटाइन डे है आज, तो क्या इनके बहुत प्लान्स हैं? देखिए मेरे लिए वैलेंटाइंस डे जो है, ये इस तरह के दिन मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे जहन में नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है फादर्स डे, मदर्स डे। क्यों हमारी माता के लिए एक दिन हो, क्यों हमारे पिता के लिए एक दिन हो, और मोहब्बत के लिए क्यों एक दिन हो? 365 दिन लोगों से प्यार करिए, खुश रहिए। तो ऐसा कुछ ख़ास इस बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। I agree too. I think Valentine's Day रोज़ हो सकता है, Valentine's moments can be every moment in your life. तो और Valentine's मतलब I feel कि it could be for your friend, for your family, for your you know सिर्फ इसको एक जगह एक तरीके से categorize नहीं करना चाहिए। So yeah, I mean we should always be in the Valentine mood. शो की बात की जाए तो इट्स एन आइकॉनिक शो, इतना ज़्यादा प्यार मिला है। ऐसे हो रहा था कि कैरेक्टर्स जो थे इतने दिल में बस चुके थे ऑडियंस के, जब एक्टर चेंज हो तो ऐसे हो रहा था कि शायद उन्हें एक्सेप्ट ना करें, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक्टर्स भी जब चेंज हुए, नए फेसेस आए उसी किरदार में, उन्हें भी इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो उस बारे में क्या? चरित्र जो होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी शो के, उनकी रीढ़ की हड्डी होती है, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सारे कैरेक्टर्स को जनता बहुत प्यार करती है, बस और क्या कहूँ। सॉरी आप क्या पूछ रही हैं? जी आई एम ऑनेस्टली, मैंने सिर्फ अपना काम किया जो थोड़ा बहुत मुझे आता है, और बाकी आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द टीम यू नो, क्योंकि एक एक्टर को पूरी टीम ने एक्सेप्ट किया जो 12 सालों से शो कर रही है, इंक्लूडिंग शैलेश सर। तो उन्होंने एंड इवन ऑडियंस, आई एम ग्रेटफुल टू द ऑडियंस कि उन्होंने इतने जल्दी मुझे एक्सेप्ट किया। सो थैंक यू गाइज एंड कीप वॉचिंग, कीप लविंग।